हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या। तो आज की जो वीडियो है मेरे चैनल पे आपको देखने को पहले नहीं मिली होगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी का रूटीन, डाइट चार्ट। मैंने अपने पूरे 1 मंथ से लेकर 9th मंथ तक क्या क्या खाया था अपनी प्रेगनेंसी में, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। एंड मेरी प्रेगनेंसी रूटीन जो जब की थी तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ठंड में स्टार्ट हुई थी, लेकिन डिलीवरी टाइम तक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और ठंडी हो या गर्मी, आपको पानी तो बहुत ही ज़्यादा पीना है, आप जितना पी पाओ एक दिन में। मैं तो 3-4 लीटर पी लेती थी। और ग्लूकोज का पानी आपको पीना है अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो। एंड सबसे पहले मॉर्निंग में मैं उठ के योगा करती थी 10-15 मिनट, जो भी आपका मन करे, आप लोग YouTube से देख के अपने टाइप की जो आपको सही लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वो वाले योगा कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आती है। एंड उसके बाद मैं रात को भिगोया हुआ बादाम एंड पनीर सुबह खाती थी सबसे पहले, एंड कभी कभी मेवे के लड्डू भी खा लेती थी। इन तीनों में से कोई फिक्स नहीं रहता था, मेरा चेंज हो जाता था, बट हाँ इन्हीं तीनों चीज़ों में से मैं एक चीज़ खाती थी। एंड उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का सूजी का अप्पे या फिर सूजी की इडली ये बना के खाती थी, जो कि आप लोगों को मैं साइड में दिखाती जा रही हूँ। तो ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट आपको खाना खाना है, नहीं तो आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद ग्लूकोज का पानी आपका बॉटल आपको अपने साथ हमेशा रखना है, जब भी आप सो रही हैं कुछ भी। उसके बाद दोपहर के लंच में मैं प्रॉपर डाइट लेती थी अपना, जो भी है दाल चावल रायता, दही आपको ज़रूर ज़रूर खाना है, रोटी चावल और सलाद चटनी ये सारी चीज़ें, सब्जी जो भी है हरी सब्जी आप कुछ भी ले सकते हो, वो मेरा पूरा नाश्ता होता था उधर। सलाद और पपीता नहीं खाना है, वो दूसरों के लिए रखा था, नहीं तो आप लोगों को लगे। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं पीती थी जूस, कभी मार्केट का ले आते थे, अगर नहीं मिल पाता था तो मैं ये रियल का पी लेती थी। उसके 2-3 घंटे बाद स्नैक टाइम में मैं कुछ कभी चटपटा मन कर दिया तो मैं खा लेती थी। मैंने उस दिन ब्रेड रोल बनाया था, हालांकि ये सेफ नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी कभी कुछ ज़्यादा चटपटा खाने की क्रेविंग है तो आप खा सकते हो। मैंने इसमें से 1 पीस ही खाया था। एंड ये मैं आपको अपना ग्लूकोज का डिब्बा दिखा रही थी, क्योंकि मैं यही मतलब पूरे टाइम पीती थी, जब भी मुझे प्यास लगती थी तो 1 टेबल स्पून डाल के मैं पानी के साथ यही पीती थी, खाली पानी नहीं पीती थी, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से प्यास भी नहीं लगती थी। उसके बाद सैंडविच मैंने बनाया था, ये बहुत ही हेल्दी सैंडविच था, मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया था और बस वेजिटेबल ही इसमें ऐड किया था और कुछ भी नहीं ऐड किया था। रात के लंच में मैं रोटी एंड ये कढ़ी बनी थी वो मैंने खाया था। एंड ये मेरा कभी फिक्स नहीं है, हेल्दी में आप कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड ये मैं बॉटल इसी तरह के रखी रहती थी अपने पास, तो आप भी इसी तरीके के बॉटल रख सकते हो अपने पास, ताकि आपको पीने में बार बार आसानी रहे, एक बार बना के रख लो। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी ही पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना है। नॉर्मल पानी आप पी सकते हो, जितना चाहे उतना पी सकते हो। एंड और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बट अभी मैंने अपना आप लोगों के साथ डाइट चार्ट की वीडियो ही शेयर की है कि मैं क्या क्या कैसे कैसे खाती थी। एंड ये फिक्स नहीं रहता था, ये मेरा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता था, कभी कुछ खा लिया, लेकिन जो भी खाती थी मैं हेल्दी खाती थी एंड थोड़ा थोड़ा करके खाती थी, लगातार नहीं खाती थी कि एक बार के ही खा लूँ, ऐसा नहीं होता था। मैं थोड़े थोड़े टाइम पर खाती थी, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। 3rd मंथ तक मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, लेकिन 4th मंथ से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, तो मैं कुछ कुछ टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें खाया करती थी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।